हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुगंधा शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ग्राउंड स्टाफ की क्या सैलरी है इंडियन एयरलाइंस में और इनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं कंपनी की तरफ से। इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, अगर आप ग्राउंड स्टाफ में जाना चाहते हो तो मैंने ग्राउंड स्टाफ पे एक वीडियो बनाई है कि ग्राउंड स्टाफ में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, जिसमें मैंने एयर टिकटिंग, कस्टमर सर्विस, फ्लोर वॉकिंग, बोर्डिंग, रैम्प, सिक्योरिटी, इन सब के काम को, इन सब डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड किया है। अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको सबकी ड्यूटीज़ देख के ये फिल्टर करना होगा कि कौन सी आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है। सो दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसको देख सकते हैं। हम आज के वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इंडियन एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ को जो सैलरी मिलती है वो 15,000 से 22,000 के बीच में है। आप एक एवरेज लगा सकते हो 18,000 रुपये का, यानी 18,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, थोड़ा सा कम ज़्यादा में भी। नाउ डेफिनेटली ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर इज़ कि आप कौन सी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो। कोई भी एयरलाइन जो बहुत वास्टली ग्रो कर रही है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बिजनेस में, वो अपने एम्प्लॉइज़ को हमेशा ज़्यादा पे करेगी इन कंपैरिजन टू नॉट सो ग्रोइंग एयरलाइन। तो डिपेंड करेगा आप कौन सी एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेकेंड चीज़ डिपेंड करेगी कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर एक जस्ट ग्रेजुएट है, फ्रेशर पर्सन है जो इंटरव्यू के लिए जाता है, और एक सेकेंड पर्सन है जिसके पास 2 साल का 3 साल का कस्टमर सर्विस में या एयरपोर्ट पे ही किसी ड्यूटी में एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली जो सेकेंड पर्सन है उसको जो सैलरी मिलेगी वो फर्स्ट पर्सन से ज़्यादा होगी। थोड़ा बहुत ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए जा रहे हो। जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बहुत बिजी रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ के ग्राउंड स्टाफ को स्लाइटली बेटर पे मिलती है इन कंपैरिजन टू नॉट सो बिग सिटीज़ या नॉट सो बिग एयरपोर्ट्स। ये था सैलरी का। अब हम देखते हैं क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। सबसे पहले अकोमोडेशन नहीं मिलता है। ये 90% एयरलाइंस के लिए है, कि 10% भी मैंने इसलिए छोड़ दिया बिकॉज मे बी देर इज़ सम एयरलाइन दैट आई डोंट नो अबाउट, बट एज मच एज आई नो फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एयरलाइंस दे डू नॉट प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे ऑलवेज प्रेफर द लोकल कैंडिडेट्स। क्योंकि आपको अगर 18,000 तनख्वाह मिल रही है और घर कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव। आप अगर अपना रेंट 10,000 आपका रेंट, खाना पीना सब मिला के भी करोगे, तो भी आप बहुत अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाओगे। इसीलिए कंपनीज़ कहती हैं कि वो लोकल्स को प्रेफर करेंगी, लेकिन कल भी मैंने वीडियो में ये बताया था कि लोकल को प्रेफर करने का मतलब है वो आप ही के वेलबींग के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं भोपाल से हूँ और मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ में ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं इंटरव्यू में जाके बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ लोकल रेजिडेंट बट आई हैव माई रिलेटिव्स स्टेइंग इन दिल्ली एंड आई विल स्टे विद देम, या आई हैव अ हाउस इन दिल्ली, या I have some friends who are staying here in Delhi and I'll move in with them, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनीज सिर्फ इस बेसिस पे कि मैं भोपाल से हूँ, दिल्ली से नहीं हूँ, या मैं लोकल नहीं हूँ, सिर्फ इस बेसिस पे कभी भी मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये था कि अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। इसके अलावा आप क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट, आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है। कंपनी के शटल्स या बसेस होते हैं जो चलते हैं, जो आपको पिक करते हैं और ड्रॉप भी करते हैं, चाहे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, कोई भी शिफ्ट है, ये आपको पिक एंड ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा आपको फ्री टिकट्स मिलती हैं। अब ये हर कंपनी के लिए बहुत ही डिफरेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है। कुछ कंपनीज़ फ्री टिकट्स देती हैं, कुछ कंपनी डिस्काउंटेड टिकट्स देती हैं। डिस्काउंटेड टिकट्स में आपको टिकट के ऊपर जो टैक्स लगता है सिर्फ उतना पे करना होता है, विच इज़ आई थिंक 10% टू 12% ऐसे कुछ एवरेज जाता है। जैसे अगर मैं कोई टिकट 5,000 की खरीदती हूँ तो मुझे मैक्स 700 रुपये उसके ऊपर पे करने होंगे। ये एक एवरेज है कि आपको इतना पे करना होता है, तो बहुत ही सस्ता एकदम ट्रेन के रेट में पड़ती है आपको फ्लाइट टिकट्स। कुछ कंपनीज सिर्फ पर्सनली आपके लिए देती हैं, कुछ कंपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए भी देती हैं, कुछ कंपनी साल की लिमिटेड टिकट्स देती हैं और कुछ कंपनी अनलिमिटेड देती हैं। अनलिमिटेड मतलब जैसे साल की 56, 72 ऐसे नंबर में देंगी, तो वो उसको अनलिमिटेड का मतलब ये भी नहीं है कि आई कीप ट्रैवलिंग एवरी डे, या मैं अपने फैमिली को रोज़ वेकेशंस पे भेजूँ, ऐसा भी नहीं है। तो इसको ही एक्चुअली उन्होंने अनलिमिटेड कहा। तो ये थी वो फैसिलिटीज़ और सैलरी जो एयरलाइंस प्रोवाइड करती हैं। आई अगेन सजेस्ट यू, अगर आप ग्राउंड स्टाफ में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वो वीडियो बहुत यूज़फुल है। आपको पूरा एयरपोर्ट का, ग्राउंड स्टाफ का स्ट्रक्चर उससे समझ में आ जाएगा और आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कम से कम आपको पता होगा कि आप किस पोजीशन के लिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे
एक पर्सन जो कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है और एक पर्सन जो सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। जो पर्सन कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग होनी चाहिए, उसको बहुत काम होना चाहिए, उसको बहुत फ्रेंडली, बहुत स्माइलिंग और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो पर्सन सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एनालिटिक जो स्किल्स हैं, जो उसकी अवेयरनेस है या जो उसकी सिचुएशन को एनालाइज करके उसके ऊपर रिएक्ट करने की का जो उसका ब्रेन प्रोसेस है, ये सब चीज़ें शार्प होनी चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है, एक तरफ बहुत सॉफ्ट पर्सनालिटी चाहिए, एक तरफ बहुत अलर्ट एंड अवेयर पर्सनालिटी चाहिए। सो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से समझ में आएगा कि विच पर्सनालिटी इज़ द वन वेयर आई एम मोर सूटेबल फॉर, या फिर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम करने में आई एंजॉय इट मोर। जैसे मान लीजिए जो सिक्योरिटी होते हैं या जो रैंप वाले होते हैं, ये इनका काम मोस्टली आउटडोर्स का होता है, या ये मोस्टली बारिश भी हो रही है तो रैंप वाले लोग बाहर जाके काम करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मुझे लगता है आई एम नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग दैट, सो इवन दो आई हैव दैट पर्सनैलिटी बिकॉज दैट जॉब प्रोफाइल डजेंट मैच विद माइन, आई एल गो फॉर द कस्टमर सर्विस। तो यू विल बी बेटर एबल टू डिसाइड कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके अकॉर्डिंग ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर। आज शाम को मैं बाकी की वैकेंसीज भी हैं और कुछ कंपनीज की भी हैं, उन्हें भी अपडेट करूँगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।